सोते वक्त खर्राटे आना सामान्य बात है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। खर्राटे जिस वक्त आते हैं उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन इन खर्राटों की वजह से अक्सर आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाती है। कई बार ज़्यादा और तेज़ खर्राटे लेने की वजह से ये लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। खर्राटे लेने की अलग अलग वजह हो सकती है, इसे अक्सर लोग थकान और बंद नाक से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोगों को खर्राटे तनाव की वजह से भी आते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये समस्या बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। रिसर्च के अनुसार भारत में 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं और 40% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं। खर्राटों को दूर करने के लिए लोग कई उपाय और टोटके आजमाते हैं, लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ हल्की फुल्की बेड टाइम एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर करण राज का कहना है कि जीभ की कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज जो खर्राटों की समस्या से निजात दिला सकती है। डॉक्टर करण राज ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जीभ को बाहर निकालने से लेकर उसे एक तरफ और दूसरी तरफ हिलाने और अपने मुंह के ऊपर टच करने जैसी बेहद आसान एक्सरसाइज बताई है। डॉक्टर राज ने अपनी पोस्ट में बताया कि खर्राटे को कम करने के लिए पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको 5 सेकंड के लिए अपनी जीभ बाहर निकालना है, उसे उसी अवस्था में कुछ देर के लिए छोड़ना है। उन्होंने खर्राटे को कम करने के लिए इस व्यायाम को 3 या 4 बार दोहराने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत हो तो आप एक चम्मच की मदद से जीभ को सपोर्ट दे सकते हैं। बिना दबाव महसूस किए अपनी जीभ को जितना हो सके बाहर की ओर धकेलें। इस एक्सरसाइज का मकसद स्ट्रेंथ में सुधार कर मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल करना है। जीभ को 5 सेकंड तक बाहर निकाल कर रखें, फिर अपनी जीभ को वापस मुंह के अंदर ले लें। ऐसा 3 से 4 बार करें। डॉक्टर राज ने कहा कि एक्सरसाइज आपकी जीभ और गले की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने और बैलेंस बनाने में जुड़ी है। इन एक्सरसाइज से मांसपेशियां बैलेंस में आएंगी और सोते वक्त इनमें फड़फड़ाहट नहीं होगी। गले और जीभ की मांसपेशियों के मजबूत होने से आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपकी खर्राटों की परेशानी भी दूर होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।